So, let's move towards next two activities for cash flow, that is B part, cash flow from इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसकी सुई अभी ऑपरेटिंग पे अटकी हुई है, लगा नहीं हो गया एक्चुअल में ऑपरेटिंग। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो लुक हियर, यहाँ पे दो ही चीजें होंगी, प्लस और माइनस। तो कैश फ्लो फॉर फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दो ही चीजें थी, प्लस और माइनस ठीक है। अब यहाँ प्लस क्या होने वाला है, कैश इनफ्लोज प्लस होंगे और कैश आउटफ्लोज माइनस होंगे, उसमें भी यही होता है ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, दैट इज सेल ऑफ, कौन सी एक्टिविटीज जो है यहां पर कंसीडर की जाएंगी, दैट इज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप अपनी कोई भी फिक्स्ड एसेट सेल ऑफ कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ कर रहे हो तो उसका कैश फ्लो यहां कंसीडर होगा। अगर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, वो यहां कंसीडर होगी, लेकिन याद रहे कैश में होनी चाहिए, कैश मतलब पेमेंट होनी चाहिए उसकी। तो यहां लिख सकते हो पेमेंट फॉर, यहां पेमेंट होनी जरूरी है क्योंकि कैश फ्लो तभी बनेगा ठीक है। अगर पेमेंट नहीं हो रही तो कैश फ्लो नहीं हो रहा, यहां पैसा आना जरूरी है तभी कैश का फ्लो आएगा ओके। तो कंफ्यूजन हो सकती है यहां पर कि हमने कोई एसेट बेच दी लेकिन पैसा नहीं आया ठीक है, दैट इज, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड हियर। इसके अलावा एक और चीज यहां ऐड होती है, दैट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। अब कुछ चीजों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है सेल पर, ध्यान से देखिए, तो वो कहाँ कंसीडर होगा, इन्वेस्टिंग में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। प्रॉफिट ऑन सेल, आपने लैंड बेच दिया, लैंड इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिक्स एसेट है, इसे बेच दिया, तो ये प्रॉफिट यहाँ इंक्लूड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉफिट ऑलरेडी सेल प्रोसीड्स में इंक्लूड होता है। समझ आ रही बात, कंफ्यूजन यहाँ आती है इस ऑलरेडी, लेट से 100 करोड़ का लैंड 120 करोड़ का बिक गया, तो 120 यहाँ ऑलरेडी आ गया, तो 20 इसमें इंक्लूड है, प्रॉफिट तो आ गया ना, तो आप इसको सेपरेटली कंसीडर नहीं करते। दूसरी बात, लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, 100 करोड़ का लैंड था, आपने 80 करोड़ में बेच दिया, कितने का नुकसान हुआ ठीक है। तो जब 20 करोड़ का आपको नुकसान हो रहा है तो ऑलरेडी वो सेल प्रोसीड्स में एडजस्ट हो जाता है, ऑलरेडी यहां पे कितना दिखेगा, 80 करोड़ दिखेगा है ना, 80 CR दिखाना, तो ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस एडजस्टेड होते हैं सेल प्रोसीड्स के अंदर, क्लियर है। तो आपको सेपरेटली कंसीडर नहीं करना होता प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, क्लियर है। तो ये हमारा निकल आया बी पार्ट, दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट सी पार्ट, बस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जितना नहीं, बट आसान है, इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखिए यहां पर क्या आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं पैसा आ कहां से रहा है, तो यहां लिख रहा हूं मैं प्रोसीड्स फ्रॉम, प्रोसीड्स मतलब पैसा आना, फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम लोन और क्रेडिट फैसिलिटीज। यहां से पैसा आ गया, यहीं से आता है, शेयर डिबेंचर बोरोइंग सब आ गया, ये सारा ऐड होता है, ऐड होगा, पैसा आ रहा है। माइनस क्या होगा, रीपेमेंट, पैसा वापस कर रहे हो टूवर्ड्स शेयर्स, शेयर्स के लिए डिबेंचर्स और लोन्स और क्रेडिट फैसिलिटीज। समझ आ रही बात, ये पैसा आ रहा है और यहां पैसा जा रहा है, क्लियर है। पेमेंट ऑफ, पेमेंट टूवर्ड्स, याद रहे पेमेंट होनी जरूरी है, कैश फ्लो का मेन मुद्दा ही क्या है, पैसा आना और पैसा जाना। तो कोई भी ड्यू चीजें होती है वो यहाँ कंसीडर नहीं होती, तो यहां पर आता है डिविडेंड, आप डिविडेंड पे कर रहे हो,
इंटरेस्ट पे कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो, जिसको हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के नाम से जानते हैं। सब यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास सी पार्ट का आंसर आ जाता है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क।